हेलो नमस्ते वालेकुम मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यामा सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके व्लॉग्स। तो अभी अभी मैं रेडियो सिटी में गया था और काफ़ी बढ़िया से ज़्यादा बढ़िया इंटरव्यू रहा है। मेरे साथ था गौरव माली बॉय भाई, मैं वहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा था। हाँ जी, देखने में कैसा लग रहा था? बहुत कूल यार, मज़ा आ गया। अबे सब जन को ना वो वाला इंटरव्यू देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ नया मुझे पता चला। मुझे काफ़ी कुछ पता है, फिर भी ना बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार पता चला। ऐसे जब इंटरव्यू होता है ना तो बहुत सारे राज खुलते हैं, तो वो वाले राज आपको देखने को मिलेंगे। वो जो व्लॉग मैंने शूट किया है वो व्लॉग आपको देखने को मिलेगा फ्राइडे को मॉर्निंग को। अब कितने बजे है ये डिपेंड करता है उनके टाइम पे। मेरा जो टाइमिंग 11 बजे का, वो 11 बजे का टाइम शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्टे कनेक्टेड इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा, एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टोरी सब देख ही लिया है। अभी मैं थोड़ा आराम करने वाला था और मुझे कॉल आया मुझे सत्या का और जो चीज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे वो मैंने सुना। तो मैंने उसको बोला कि रुक जा, देखो मैं वापस कॉल करता हूँ कैमरा ऑन करके। तो उसको कॉल किया, सत्तू मेरे दोस्त। हाँ मेरे यार, मेरा प्यारा दोस्त। बहुत प्यारा रहा तेरे को। कैमरा मैंने ऑन कर लिया है। मैं और मेरी जनता ये सुनना चाहती थी कि तूने क्या बोला। मैंने बोला कि शादी में पैसों की जरूरत होती है। अबे साले, अरे माफ करना, गलती से उधर उधर चला जाता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि तूने क्या बोला। अभी अब बना के मत बोल, कैमरा चालू है। तो जो बोला था वो बोल। मैंने बोला मैं तेरे को पैसे देने आ रहा हूँ, आज तेरा उधार नक्की करूंगा। ओ मेरे दोस्त, ठीक है, कब तक आ रहा है तू? बस तू आंखें बंद करो और मैं पहुंचा। ये सुनने आंसू आ गए ब्रो। मैं तो, मेरे को तो लगा था कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अबे साले, माफ करना, गलती से इधर उधर चले जाता हूँ। ठीक है, आ जा तू, आ जा। हाँ, तो 2000 करोड़ साल बाद मुझे मेरा पैसा मिलने वाला है। और एक खुशी ऐड हो रही है। खुशी, एक खुशी थी हमारे रेडियो सिटी में जाने की, दूसरी खुशी पैसे मिलने की। अब ये अपना पोपट अब प्रैंक तो नहीं कर रहा होगा ना, ये बोल नहीं सकता उसका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि पैसा दे देगा। सच्चाई दिख रही है। सच्चाई, वेट करते हैं पैसों का और बहुत तरस गए सुनने के लिए। और वो जो शादी वादी का तो मजाक था, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस अब वेट करते हैं, अब आएगा तो फिर और कहानी आगे बढ़ा दें। मतलब ये बोनस व्लॉग है, ये बोनस व्लॉग। आगे देखा मेरा JBL बूम बॉक्स कैसा लगा मेरे दोस्त? बहुत सही है भाई, बहुत तगड़ा साउंड आ रहा है इसका, और फील देखना उसको हाथ में। रॉकस्टार की फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। नारे 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 नारे। अच्छा छोड़, अभी अभी इसको बाहर लेके भी चलेंगे, चलते हैं ना। हाँ क्या काम की बात? वो तो मजाक कर रहा था ना। मैं पहले से बोल दिया ब्लॉग में ऐसा प्रैंक बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या मेरे को ना, मैं जितने मीटअप किए ना उसमें सबने बोला कि पैसे देने नहीं है। मैंने कहा चल आज देख लेता हूं, तो मेरे मीटअप में और जाके बोल के पैसे के दे रहे हैं। मेरे वाले सब्सक्राइबर तो ऐसा कूटेंगे ना, मैं सबसे 10-10 रुपए लूंगा। मेरे को लग रहा है तेरे मीटअप पे इतनी भीड़ तो होगी, 70,000 की जगह 1,00,000 इकट्ठा हो जाएगा भाई, रात का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक, मेरे को अच्छा देख, तेरे को पैसे इतना खुश नहीं, मैं देने आया तेरे को पैसे, टेंशन मत ले। बैग में है, बैग में डाला है पैसा। ठीक है, कैश ले गया है? हां कैश। ओ शिट, जंगल में पैसे तो है मेरे पास। सही है, ये किस कागज में लाया? पर ये पैसा जो है मैं तेरे को ऐसे नहीं दूंगा। हाँ। ये देखो, ये है पैसे, पर इसने इतनी बार बोल दिया। क्या लाया अबे? ये क्या लाया अबे? स्टैंप पेपर पे लाया, लिख के एफिडेविट ब्रो, एफिडेविट, एफिडेविट पे लिख के पूरा लिखा जाएगा इस पे ऊपर, फिर साइन लिए जाएंगे, फिर ये पैसे दिए जाएंगे। ऐसे नहीं है, मतलब इसने बहुत तंग किया मेरे को, साइन करना पड़ेगा। इंडिया नॉन जुडिशियल, ऐसा कौन करता है रे? ठीक है, ओके, तभी तो इस पे लिखेगा। अभी मैं लिखूंगा।
पेन दे मैं सत्या सागर। तो बताइए क्या लिखा है इस बंदे ने? ये एफिडेविट में लिख दिया कि आप कैमरा हमारे को पकड़ा सकते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अपने पूरे होशो आवाज में, आवाज में मोहम्मद सलीम खान को 70,000 नकद राशि दे रहा हूँ। आज के बाद किसी भी तरह की राशि मांगने के लिए व्लॉग में नहीं कहूंगा। साइन भी चाहिए डेट के साथ। पैसे लेते वक्त तो कोई एफिडेविट नहीं बनाया गया था, लेकिन देते वक्त बना रहा है। तारीख भी लिख, तारीख ले, साइन कर। तेरे को कितना अच्छा लग रहा है। तो ये पूर्ण रूप से हम गवाही दे रहे हैं दोनों लोग। इसका मतलब ये है कि मैं तेरे को कभी व्लॉग में नहीं बोलूंगा कि मेरे पैसे दे। हाँ। क्यों बोलूंगा जब पैसे तो दे दिए। हाँ। तूने नहीं दिया था इसलिए तो बोल रहा था ना मैं। हाँ, तो मैं देने आया था इसीलिए पक्का काम किया था। अबे साले माफ करना, गलती से होता चले जाता हूँ। तो ब्रो ये आपका मूल, ये सूद, ये उधार का कुछ और बहुत ज्यादा दे दिए। अब मैं इससे थोड़े दिन बाद मांगता रहूंगा। सुन ना, 1 करोड़ रुपए देना। उम्मीद थी तेरे को वैसे, सच सच बताना। नहीं बिल्कुल नहीं थी। राम ही अबे साले जो ऐसे हरामी दोस्त हो ना माँ, तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। दोस्ती में ऐसा होता है कि कितने पैसे हजम हो जाते हैं, डगार भी मार लेते, दोस्त लोग बताते भी नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने ब्लॉग में लाके, इस टॉपिक को मैं ऑनलाइन लाके मैंने बहुत सही किया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। थैंक यू सो मच। इस पैसे का हकदार तो मैं ही हूँ, लेकिन थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है, 1 मिलियन करो और इसकी फटाफट वो जो निकाह वाला काम है। साले माफ करना, गलती से उधर चले जाता हूँ मैं। सत्या मेरे दोस्त। हाँ मेरे जाना। हाँ गले मिल जाते मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त, मैं बड़ा खुश हूँ आज मेरा पैसा मेरे को वापस मिल गया। खुशी की तो बात थी वैसे। तेरे को पार्टी देने का दिल कर रहा है? दे ना भाई, ये तो आज तो कैश भी आया तेरे पास। चल तेरे को पार्टी देता। कहाँ चाहिए पार्टी बता? ताज ब्रो, यू नो आई हैव ब्रांडेड पीपल, आई हैव अ क्वालिटी, आई हैव अ स्पॉन्सरशिप आल्सो। चल तूने बोला तेरे को मैं ताज लेके चलूंगा। पक्का? चल ठीक है, पहले जूते पहनो। चल यार, ढूंढ क्या रहा है यार? मेरी सॉक्स दी है तेरे घर पे, एक तो बरमूडा ट्रायंगल में कहीं खो जाती है। शूज में तो नहीं है? नहीं, शूज में तो नहीं है। शूज में चेक कर ले। जब मैं इसके घर अंदर गया था। अबे साले तूने पहन रखी है मेरी सॉक्स। मेरा है वो? मेरा है, मैं घर से पहन के आया हूँ, मेरे को याद है। छी छी पहन के घूम रहे और कह रहा छी साले, किस दिन मेरी चड्डी ना पहन ली हो तू। ये मेरे भी सॉक्स में सेम कलर है। अच्छा, ओ अच्छा, ये तेरे से ही तो ली होगी शायद फिर मैंने, जब तूने खरीदी थी। हाँ, तो ये एक्चुअल में मेरा ही है। नहीं नहीं, तूने जब मैंने खरीदी, तूने खरीदी थी बहुत सारी, और मेरी तब अपने को नेपाल या कहीं ट्रिप कर रहे थे हम, तब मिल नहीं रही थी। तो मेरे से लिया हुआ है, मतलब देखो पैसा भी लेता है, सॉक्स भी लेता है। क्या बात है, ताज में पार्टी मेरे दोस्त। आज तो जशन की रात है, जशन की। मैं कह रहा हूँ आज तो मैं टेंट लगा के पार्टी दूंगा, फिर तो जशन होएगा, जशन। तो देता हूँ ताज में पार्टी देता हूँ। ताज में ब्रो, ताज में पार्टी चाहिए ब्रो। सत्या यार, ताज हम पैदल पैदल क्यों जा रहे हैं? तेरे को मैं ताज से बेहतर जगह लेके जा रहा हूँ। बेहतर नहीं जाना, ताज ही जाना है। पैसा दिया तेरे को, पैसा, एक एक कॉफी, एक चाय तो बनती है। ताज लेके जा रहा था मैं, ताज। कल इस रास्ते, कल इस रास्ते पर ताज होटल आता है क्या? देगा, आता है, देगा। ये सब खरीद लिए इसने, बिके वो सब, मंदिर यही बनेगा। मेरे को एक बात समझ में नहीं, तेरे मन में आया कैसे कि आज तेरे को पैसे दे दूं मैं? अरे बताया फिर तू कहेगा कि ऐसे, मेरे को लगा कि वो कार्ड वार्ड छप रहे हैं, शेरवानियां दे रहे हैं। अबे साले माफ करना, गलती से इधर उधर चले जाता हूँ। साले मत खींचना शादी को इतना। मतलब अभी देखो 3 कंट्री है इसने अकेले की बाइक पे, अब कितने साल तक सामान ही ढोता रहे हैं, मतलब बाइक पे टांगा टांगा। एक तुम्हारी भाभी जाने आएंगी। हाँ हाँ हाँ, तो धूम पिक्चर देखी ना, धूम में वो उदय चोपड़ा जब सपना देखता है, पहले उस बाइक पे बीवी आती है, फिर बच्चा आता है, तो सोच मेरे सपने में ऐसा आ रहा है, टाइगर पे नीचे। आज तेरे को ताज लेके चलता आजा। देखो हमको आना पड़ा तुमसे मिलने, हमने कहा बाइक नहीं घुमा पाओगे तुम तो। इतना बड़ी, इतना बोलते ना कुछ। क्या है भाई? एकदम मस्त, बढ़िया, एकदम मस्त। ये कुछ पूछना चाहता है, पूछ। हाँ, मैं आपके थ्रू, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चलता रहता है, जैसे अब तेरे 1 मिलियन होने वाले हैं। हाँ ठीक है,
तो तेरे को क्या लगता है कि जब जीरो से ये इधर तक आया तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर बढ़ चुकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बढ़ चुकी है, बिकॉज पहले जैसा था वैसा नहीं हूँ मैं. पहले बोलने से पहले सोचते नहीं थे, अभी सोचना पड़ता है. सोचना इसलिए पड़ता है ताकि कुछ गलत ना चले जाए मैसेज, इसके लिए सोचना पड़ता है. बट अभी मैं सोचना कम करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर सोचूंगा तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा. तो ये एक चीज़ मेरे को ना वो लगती है, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हमेशा आप ऐसे ही रहो, और फिर आपको फिर थोड़ा बोलते हैं कि जज करने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, फिर लोग बोलते हैं कि बदल जाते हो. हाँ, तो मतलब हम वैसे ही रहना चाहते हैं, पर लोग हमारी, या तो ये ऐसा है कि लोग बदल देते हैं ऐसा है, या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को बदल देती है, दोनों चीज़ें साथ में. जैसे मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते भी हम लोग बदल जाते हैं, और लोग बोलते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो कम पड़ता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा पड़ता है. तो ये जो क्वेश्चन था ये मैंने अपने आप को जीरो रख के बोला है, तभी वो बात आपको समझ में आ पाएगी. इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने नॉट द यूट्यूबर के हिसाब से, एज अ ऑडियंस के हिसाब से पूछा. थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया. ताज कहाँ है? ताज ये है. ताज ये कौन सा ताज है? ये देख, ये ताज होटल, इतना बड़ा, सामने समंदर, और ये ताज होटल की चाय. ये होटल श्री कृष्णा. अबे साले, एक तो तूने पैसा देने में तक टाइम लगाया, तो लगा ताज लेके जाऊंगा इधर आ. ये होटल श्री कृष्णा. ये होटल श्री कृष्णा. चाय पीनी पड़ेगी. ताज की चाय पीनी है भाई. काका दो चाय, स्पेशल ताज वाली चाय देना. ये मेरे को क्या बोला, मैंने आज इसको पैसा दिया, बहुत दिन का उधार था, ठीक है, और मैंने बोला मेरे को ताज में चाय पिला, ये यहाँ पर ले आया होटल श्री कृष्णा, कह रहा ताज से बेहतर है, तो मैंने भी हाँ कर दिया. अंकल ताज से बेहतर है कि नहीं? ताज से बेहतर है ना अपनी चाय पीने के बाद मालूम पड़ेगा. आपको कितना दो? बड़ा पाव नहीं खाना? ओवर रोए का क्या कह रहा है? ओवर रोए का बड़ा पाव. ताज की चाय, ओवर रोए का बड़ा पाव. गलत जगह लेके आया तेरे को? नहीं ना, सही जगह लेके आया. तू बोलेगा सलमान खान ये है, ऋतिक रोशन ये है, मैं मान लूंगा. मान लूंगा ब्रो, मेरा वॉलेट भी बैग में. हम दोनों आए ताज, और ताज की चाय और ओबरॉय का पीने. तो हमारे पास सिर्फ कार्ड है, दोनों इतना जल्दी निकलेगी कि पार्टी की खुशी में कैश लेकर आना ही भूल गया. सोच लो ये ताज में चाय पिलाने जा रहा था. बुला फोन करके किसी को, बुला भाई. बुला किसी को, भिंडी को बुला, भिंडी को. सुनना एक काम करना यार, पैसे लाए नहीं, हम लोग भूल गए, चाय ऑर्डर कर दे, चाय आ गई है, पैसे नहीं अपने पास. ब्रो ऐसा तेको कहाँ मिलेगा बता? तेरा दोस्त तेको चाय पिलाने लाया और जेब में पैसे नहीं है. कैसे लोग है ना, और इतना ध्यान से चलना पड़ रहा है ना, क्योंकि ढलान पे जा रहे हैं और चाय ऊपर तक भरी हुई है. आज तो बीच साफ लग रहा है. हाँ मैंने करवाया साफ, तेरे को पता था मैं आ रहा हूँ इसलिए. नहीं यहाँ पर ना सैटरडे संडे को ना कुछ लोग आते हैं, मतलब स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच क्लीनिंग का काम करते हैं, वॉलंटियर वगैरह कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू देम, मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो. जब मैं सुबह जॉगिंग के लिए आता ना तब मैं देखा था लोग काम करते हैं. मैंने देखा था ये, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये एक आदमी था जिसने शुरू किया था, वो पहले अकेला था, वो उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो लगा रहा, फिर धीरे धीरे वॉलंटियर जुड़ते रहे, फिर धीरे धीरे काफी एक्टर भी आते रहे, इस करके अब जो जाके मुंबई के बीचेस फिर भी साफ है, पर जो लोग गंदा करने वाले थे ना वो अभी भी वैसे ही हैं. साफ करने वाले लोग शायद बदल गए हैं, पर गंदा करने वाले अभी भी वैसे हैं. अगर वो बदल गए तो ये बीच अराउंड 2-3 साल, 5 साल, 10 साल तक साफ हो जाएगा, ब्लू पानी हो जाएगा. अगर आप साफ करना चाहते हो ताज की चाय पियो यहाँ पर आके. तुम्हारी स्ट्रगल बताओ. कितनी बार एमएसके के दरवाजा खटखटा है बताओ? 10-15 बार. और मैं मिलता ही नहीं हूँ. हाँ, अहमदाबाद, कभी हैदराबाद, कभी कहाँ, बोल दे कल आना. ऐसा बोल दे. ओ एमएसकेएन कल आना. कल आना. यहाँ एमएसके नहीं है. चल अच्छा, इसने रिक्वेस्ट किया कि ब्लॉग में ले लो, तो इसको मेरे ब्लॉग में ले लिया. अब तुम ब्लॉग में हो. हैप्पी? चलो कमेंट करोगे? हाँ. शेयर करोगे? सब्सक्राइब भी करेंगे. सब्सक्राइब किया नहीं अभी तक? कर लिया. तुम वापस करें? सब लोग भी करो. 1 मिलियन होने आ रहे हैं. 1 मिलियन. बच्चे बच्चे को बताया 1 मिलियन होने वाला, लेकिन 1 मिलियन हो नहीं रहा है. मारा. आजा 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 आजा. 13 इंतजार कर रहे थे हम. 13 ला पैसे. आज का दिन ऐसा है जिसमें पैसे का लेन देन चल रहा है सिर्फ. आज का वी आर रिच. अंबानी बन गए. इंडिया का किंग कौन? मुझे लगता है कि अभी व्लॉग को एंड करना चाहिए यहाँ. बहुत आ गया. मतलब तेरे को मैं लाया था ताज होटल में पार्टी देने के लिए, जेब में पैसा ही नहीं लाया. ये होती है दोस्ती. दोस्ती देखो, ये होती है दोस्ती. निकल गया आज का व्लॉग, बहुत मजा आया. मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को पैसा मिल गया, और ये भी बड़ा खुश है.
कि मेरे सर से कर्जा उतर गया। अब इसको कोई नहीं बोलेगा, इसने एफिडेविट पे लिखवाया है कि कोई इसको नहीं बोलेगा, ठीक है? तो कोई इसको मत बोलना पैसे देने के लिए, पैसा मिल चुका है, डील डन हो चुकी है। डील डन। हाँ, आई होप आप लोग को वीडियो देखने में मजा आया होगा। लाइट वहाँ से आ रही, तो इधर रुख बदल देते हैं, बदल देते हैं। और दोबारा कभी तूने शादी की बात की? किसकी शादी? तेरी ना, का तो बता ही दिया ना हमने। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट। आई विल सी यू सून। अच्छा लोग बाबा, खुदा हाफिज। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम 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 करेंगे शादी के बाद, तो पैसा लेके जाओ जब भी शादी। पैसे आए, पैसे। सत्या मेरे दोस्त। ए कौन साइलेंट पे करते हैं भाई, बात कर रहे हैं कौन भाई? बाबा से एक बार करते हैं।